खबरों में रुक करते मध्य प्रदेश की ओर। दमोह जिले के जबेरा में लाडली बहनों के लिए आभार सह उपकार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को हित वितरण कर बधाई देते हुए कहा कि रक्षाबंधन के त्योहार का आनंद ही अलग है। सभी बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे बताया गया कि बहुत दिन से बारिश नहीं हुई थी। अरे बारिश होती कैसे, बहनों को बुलाओ तो बारिश ही बारिश होगी, ये आनंद की वर्षा होगी। इस आनंद के लिए तो देवता भी तरसते कि सावन का महीना कब आ जाए। और बहनों के उस प्यार के लिए, क्या हमारे लिए मानवीय सभ्यता में, खास करके भारतीय संस्कृति के इतिहास में, त्योहारों की रचना जो ऋषि मुनियों के समय से हुई है, हमारी भारतीय संस्कृति की ध्वजा को लेके चलने का, सारे त्योहार अपना अपना महत्व रखते हुए आनंद में डुबाते और जीवन जीने के लिए और इच्छा शक्ति को प्रबल करते हैं, ये परमात्मा की कृपा है। हमारे लिए तो क्या रचना बनी है त्योहारों की। होली आएगी तो सारे मन की कलुषताएं, सबकी दूरियां मिट करके रंगों में रंग सब मिलकर के आनंद में डुबा देते, वो होली का आनंद हम सबके लिए फागुन का महीना लेकर के आता है। दिवाली की बात करो तो क्या कहना, भगवान राम ने रावण को जरूर मार करके लंका पे विजय प्राप्त की है, लेकिन गरीब से गरीब आदमी के घर में सुख आनंद का दीपक जले, उसके जीवन में मंगल ही मंगल हो, इसलिए दिवाली का पर्व और ये होली और दिवाली दो त्योहारों के बीच दोनों बार हमारी फसलों की अपनी आवक के माध्यम से अपनी जीवन की दशा बदलती है। और त्योहारों की श्रृंखला तो ऐसी है कि 12 महीना और 13 त्योहार, उसका आनंद ही अलग है। और त्योहार में त्योहार, सबसे बड़ा त्योहार रक्षाबंधन का पावन पर्व का त्योहार, इस त्योहार के आगे सारे हमारे त्योहार फीके पड़ते हैं। रक्षाबंधन बहनों से भाई की रक्षा का संकल्प, दो धागे जरूर बांधती है बहनें, लेकिन ये दो परिवार के बीच पुल का काम करता, सेतु का काम करता है। बहनों का अपने भाई के प्रति माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा प्यार लुटाने वाला कोई शख्स घर में है तो ये सभी बहनें, मैं आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद लेना चाहता। पूरे साल इंतजार करती बहनें उमंग से, उत्साह से, जैसे ही सावन आ जाए तो ऐसा लगता है कि चहकने लगती है। परिवार वाले, ससुराल वाले भी समझ जाते हैं कि अब इनका अपना परिवार से मायका में जाने का समय आया। खबर उज्जैन शहर की है, जहां हरियाली अमावस्या पर 1.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पुलिस विभाग भी सहभागिता करते हुए जिले भर में 5100 पौधे लगाएंगे। इसी को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस विभाग की बैठक आयोजित की गई, जिसमें महापौर मुकेश टटवाल, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, निगम सभापति कलावती यादव, निगम कमिश्नर आशीष पाठक और एसपी प्रदीप शर्मा सहित जिले भर के पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी शामिल हुए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी जो जी द्वारा जो आह्वान किया गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आह्वान है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हम लोगों ने 11 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करीब 10,000 पौधे पूरे जिले में पौधारोपण किया था। एक तालाब भी जो पुलिस लाइन में हेलीपैड के पास है, उसका सौंदर्यकरण भी किया गया था, वो आज बहुत ही सुंदर रूप ले चुका है। उसके आसपास 1200 करौंदे के पौधे लगाए गए थे। कल हरियाली अमावस और उसका महत्व को देखते हुए माननीय महापौर जी, विधायक जी और सभापति मैडम, उनके अनुरोध पर हम लोगों ने पुनः 5100 पौधे लगाने का आह्वान किया है। कल सभी जगह जो थाना क्षेत्र, चौकी, पुलिस लाइन, हमारे रेजिडेंशियल क्वार्टर्स, ऑफिसेज हैं, वहाँ 5100 पौधे लगाए जाएंगे। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे यहाँ जितने पौधे हम लोगों ने पुलिस लाइन में अभी तक लगाए हैं, उनमें सर्वाइवल का रेट मोर देन 90% है। और हमारा आगे भी यही प्रयास है कि जितने पौधे लगाए जाएं वो सभी सर्वाइव करें, उन सभी की देखभाल की जाए। उज्जैन नगर पालिका निगम के माध्यम से और हमारे उज्जैन के सारे शहरवासियों के नेतृत्व में कल हरियाली अमावस के अवसर पर हमने एक निर्णय लिया है कि हम 1,51,000 पौधे हम लगाने वाले हैं। तो आज हमने हमारे सारे उज्जैन जिले के सभी थानों के TIOs से, SP से और सारे CSP, सारे हमारे अधिकारी गण से, इन लोगों से भी हमने आह्वान किया है कि आप भी अपने अपने थाना परिसरों में कम से कम
अधिक से अधिक पौधे लगाएं, तो इन्होंने 5100 पौधे लगाने की पुलिस एसपी साहब ने सारे जिले में घोषणा की है, तो कल ये लोग भी 5100 वृक्ष लगाने वाले हैं। इधर उज्जैन शहर के महितपुर में दबंग पार्षद का वार्ड के ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट में हुए घायल दशरथ को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल का उपचार जारी है। घायल दशरथ ने बताया कि पार्षद का चुनाव में उन्होंने सहयोग नहीं किया था, जिससे वहां काफी दिनों से परेशान कर रहे थे और झूठे केस में फंसाने की कोशिश भी कर रहे थे, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस थाने में की थी, लेकिन पुलिस ने पार्षद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और अब पार्षद ने उनके घर पर हमला कर दिया। इस दौरान 2 लोग घायल हुए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मेरे वार्ड का पार्षद है मुल्ला रसूलपुरा मैतपुर सिटी। वो क्या है कि आए दिन मेरे पे फर्जी केस बनवाता रहता है। आज तक के उसने फर्जी केस बनवाए, मेरा अतिक्रमण लेके उसने मकान भी तोड़वा दिया, उसके बाद में मेरे पे शासकीय कार्य बाधा का केस बनवा दिया। आए दिन वो मोहल्ले वालों से मेरे से विवाद करवा देता है और फर्जी केस बनवाता है। रात में भी उसने उकसवाया है उनको 3-4 जनों को, फिर मेरे घर पर हमला करवाया 4-5-6 जनों से। मैं घर में बैठा था, बाहर आए लट ले लेके, अभी मुका मतलब घर पे ही खून ऊन पड़ा है, घर पे ही वारदात हुई है। वो लोग आए के धनाधन बोला चलो कुछ भी, डायरेक्ट मारपीट चालू कर दी इन सब लोगों ने। जगदीश है, उसके बाद में उसका सरवण रनछोड़ राधेश्याम और एक गंगाराम और एक वो अपने मनी क्या नाम उसका विकास, इन लोगों ने आके डायरेक्ट लट देना चालू कर दिया था। और विवाद हुआ तुम्हारा? कुछ भी नहीं, बोले बस ऐसे ही दादागिरी, पार्षद की गुंडागिरी थी भाजपा के पार्षद की। बस आए दिन जो चाहे वो करवाता है वो। कितने लोगों हमला करा? ये थे 7-8 जने थे, लेकिन 5 पे एफआईआर हो गई है इन पे। बात करते हैं अगली खबर की ओर। उज्जैन में परीक्षार्थियों के बैग से मोबाइल चुराने वाला बदमाश पकड़ा गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों को हिरासत में ले लिया। दरअसल विक्रम विश्वविद्यालय के देवास रोड स्थित सुमन मानविकी भवन परीक्षा केंद्र में रखे परीक्षार्थियों के बैग में से एक युवक को मोबाइल चुराते हुए पकड़ा गया। परीक्षा केंद्र समन्वयक प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों के बैग रखे थे, जिनमें उनका सामान रखा हुआ था। इसी दौरान एक युवक परीक्षार्थियों के बैग से मोबाइल चुरा लिया। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर उसके पास से चुराया हुआ मोबाइल बरामद कर लिया है। इधर उज्जैन जिला के अस्पताल में सिविल सर्जन का पदभार ग्रहण करते ही डॉक्टर अजय दिवाकर ने अपना कार्य शुरू कर दिया। पहले दिन उन्होंने अस्पताल का औचक निरीक्षण, समय पर ड्यूटी आने के सख्त निर्देश दिए हैं। डॉक्टर कर्मचारियों को सूची चेक की। इस दौरान अजय दिवाकर ने अस्पताल की व्यवस्था को देखा, साथ ही कर्मचारियों के समय पर अस्पताल परिसर में आने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था सेवाएं देने की। कल दिनांक मैंने कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात एक आदेश पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि सभी डॉक्टर समय पर उपस्थित होंगे, उचित गणवेश में उपस्थित होंगे। उसी का औचक निरीक्षण कर रहा हूँ और जो कमियाँ पाई गई हैं उनको सुधारने की कोशिश की जा रही है।